नमस्ते केमचो शस्त्रकाल अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, जो एक काफी फेमस गेम बन चुकी है। मतलब कुछ साल पहले गेम की पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज लोगों को लगता था कि इसके ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है। बट भाई लोग, जो लोग ये गेम खेलते हैं उनको ही पता है भाई ये गेम का मजा ही क्या है। तो आज हम हमारी पहली गेम प्ले वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि हम लोग क्या क्या करते हैं पहले हमारे इस दिन में। मतलब भाई मेरा तो पहला एम है कि हम लोग हमारा घर बनाएंगे, बट क्या पता हम पे क्या ऐसी मुसीबत आ जाए कि भाई हम लोग हमारा घर बना पाते कि नहीं। बिकॉज मैं तो भाई बिल्कुल नू इस गेम में, मैंने अभी तक ये खेली नहीं है। हम लोग ये पूरा रॉ शूट कर रहे हैं, मतलब खेलते खेलते शूट करेंगे। ये मेरा पहला गेम प्ले खुद का भी है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारी गेम की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग ऑफकोर्स सिंगल प्लेयर में खेलेंगे और मेरे लिए अपने वर्ल्ड के लिए काफी खतरनाक सा नाम है, देख ही लीजिए आप। ओके नूब, भाई नूब हूं तो नूब हूं, मुझे शर्म नहीं है। तो ओके हम लोग यहाँ पे ओके सर्वाइवल, ओके क्रिएट न्यू वर्ल्ड। ओके हमारा वर्ल्ड तैयार हो रहा है भाई, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 50% तक लोड हो गया हमारा ऑलमोस्ट। ओके देखते हैं हमें कहाँ पे ये लेके जाता है फर्स्ट। ये तो हम लोग जंगल में हैं और यहाँ पे देखिए पहले ही लावा आ चुका है। मतलब जिस चीज से माइनक्राफ्ट गेम प्लेयर्स को सबसे ज्यादा डर लगता है वो चीज हमारे पहले ही आ चुकी है। मतलब ये लावा यार काफी खतरनाक चीज है। लावा और क्रीपर, ये दो चीजें ना, इनसे दूरी रहना चाहिए। ये तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी ये पानी में जाएगा और इसका कोबलस्टोन बनेगा। मैंने थोड़ी दो चार वीडियो देखी है माइनक्राफ्ट की, इसके लिए मुझे पता है थोड़ा बहुत। एक काम करते हैं हम लोग, इस लावा को बंद करने का ट्राई करते हैं। हमें उधर जाके फिर एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा ताकि ये लावा बंद हो जाए, अदरवाइज पूरा जंगल है ना जल जाएगा। मेरे को तो लगता है थोड़ी देर में ये जंगल जलना चालू हो जाएगा। हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा कुछ भी करके। ओके हम लोग यहाँ पे ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ से जाते यहाँ से जाने को नहीं होगा, हम और एक तोड़ना पड़ेगा। हम लोग इधर से जंप करते हैं, यहाँ से तो काफी ज्यादा हाइट है। ओके हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ओके अरे चढ़, ऊपर चढ़, इसको तोड़ना पड़ेगा। टूट जा भाई। एक तो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, मतलब पिकेक्स कुछ नहीं है, हम लोग को सब हाथ से करना है। हम लोग डर्ट ब्लॉक से अभी तोड़ रहे। ओके तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ओके यहाँ से हम लोग जंप करते साइड में। ओके वन मोर जंप। नहीं टूट रहा है, थोड़ा दूर से मारना पड़ेगा। ओके हम लोग हमारे 2.5 किलो का हाथ यूज करेंगे। ओके चलो 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 जंप जंप साइड में जंप करते हैं अपन। ओके 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 तो हम लोग ने जंप कर लिया। हम लोग को थोड़ा सा भाई मैं खुद भी हिल रहा हूँ गेम देख के। हम लोग थोड़ा और एक जंप। ओके हम लोग आ गए उधर और आप देख ही सकते हो झाड़ को आग लग चुकी है, मतलब भाई जंगल जलने वाला है। हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉक लगाए थे, हमारे पास डर्ट है। हम लोग डर्ट यहाँ पे डर्ट ब्लॉक नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मेरे ख्याल से डर्ट ब्लॉक लावा को चलता है। एक काम करते हैं हम लोग ये वाला ब्लॉक लगाते हैं तोड़ के। जल्दी टूट जा, जल्दी टूट जा। ओके हम ये ब्लॉक हम लोग को मिला क्यों नहीं, शायद नीचे गिर गया तो पानी में गिर रहेगा। ओके हम लोग और एक ब्लॉक तोड़ के, ये कौन सा ब्लॉक है बाय द वे मुझे पता नहीं है, नूब हूं कैसे पता रहेगा। ये टूट जा टूट जा। ओके टूट गया, तो ये वाला भी नहीं मिला भाई। वहां पे आग तो पूरी लग चुकी है, हम लोग को ये ब्लॉक क्यों नहीं मिल रहा? मेरे गेम में ग्लिच है क्या? शायद मुझे लगता है कि मेरे गेम में ग्लिच है। ओके हम लोग हाथ से तोड़ के देखते हैं, ये ब्लॉक टूटने ऑलमोस्ट टूटने हैं। ओके टूट गया बट हम लोग को मिल क्यों नहीं रहा, ये कौन सा पता नहीं। आप कमेंट में बताइए अगर ये ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है, मतलब इसका हमें कैच नहीं कर सकते आप, प्लीज जरूर बताएं मुझे कमेंट में। हम लोग ये काम करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला, हम लोग को जाना चाहिए। बस ये लावा भी हम लोग के कंट्रोल के बाहर है, हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं कि जैसे आए थे वैसे जाते एक साइड से। एक बार एक टेस्ट करते कि ये ब्लॉक टूट के हमें मिल रहा है क्या, अगर नहीं मिल रहा तो हम लोग रिस्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है ऑलमोस्ट नीचे गिर गया शायद। स्लो 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 भाई भाई हेल्प जा रही है। एक क्ले वाला ब्लॉक, ओके क्ले वाला ब्लॉक मिल गया हमें। हम लोग ये ओके ये डर्ट भी मिल रहा है, तो शायद वो ब्लॉक ही वैसा है कि जो हमें मिलता नहीं है, पता नहीं है हम लोग। आप कमेंट में जरूर बताइए मुझे अभी कहाँ जाए, साइड में जाए क्या सामने जाए, क्योंकि तो यहाँ पे ही चलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले वुड कलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग को काफी सारी चीजें बनानी पड़ेगी, मतलब पिकेक्स बनाना पड़ेगा, देन हम लोग को कुछ अदर आर्म्स बनाने पड़ेंगे। ओके हम लोग वुड कट करते हैं और हमारा ये 2.5 किलो का हाथ भाई चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब 250 किलो का दिख रहा है अभी, 2.5 किलो का बोल रहे हैं हम लोग। और एक तोड़ते हैं,
पूरा ही तोड़ देते हैं हम लोग, दो ट्री तो हम लोग ले लेते हैं, हमें कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। हम लोग दो ट्री कट करके रखते हैं, और एक टूट जा, ये लास्ट वाला है आई थिंक। मैं और एक है भाई, कितना ऊंचा है ये पेड़। ओके टूट गया, अभी अभी बस हो गया। ओके ये वाला भी तोड़ दे, इसके भी दो चार ब्लॉक ले लेते हैं अपन। ओके 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 तो भाई, और कितने कितना स्लो चल रहा है, मतलब पिकेक्स रहती है ना, हम लोग अभी तक हम लोगों ने 25-20 तो ब्लॉक तोड़ ही देते। कहा जाए ये सर, ये सर। अब एक काम करते हैं, हम लोग पहले ना क्राफ्ट टेबल बना लेते हैं हम। ये क्या बन गया है इसमें, बॉक्से शायद, प्लैंक्स बना लेते हैं हमें। ओके प्लैंक्स बन गया। ओके एक रखने के बाद प्लैंक्स बनता है। ओके ये हम लोग सीख रहे हैं भाई यहाँ पे। ये कुछ क्या चीज़ है, एक बार चेक करते हैं। ओके ओक वुड बन चुका है इससे, तो ये ओक लॉग है, वो ओक वुड है, और ये प्लैंक्स है लोग। यहाँ पे और दो चार प्लैंक बना लेते हैं, हम लोग को स्टिक्स बनाने के काम आएंगे। ये तो हम लोगों ने प्लैंक्स ले लिए, और प्लैंक से स्टिक बनाना है, मतलब शायद दो रखना पड़ता है। ओके स्टिक बन चुके हैं, चार स्टिक एक एक ब्लॉक, मतलब ये तो हम लोग चार ब्लॉक रखेंगे तो चार स्टिक, क्वांटिटी ज़्यादा ही कम। ओके आठ आठ स्टिक बनती है, आठ स्टिक। तो हम लोगों ने स्टिक ले लिए, ये हम लोग को क्या बनाना चाहिए, कुछ अभी बनेगा ऐसा मुझे लगता तो नहीं है। ओके क्राफ्टिंग टेबल, अरे यार भूल ही गया था, क्राफ्टिंग टेबल बनाना है हमें भाई। जो बनाने के लिए इधर आया था वो बना ही नहीं मैंने, क्राफ्ट टेबल बना लिया है अभी। इससे उसे कंबाइनेशन रैंडम चेक करते, नहीं नहीं कुछ नहीं बन रहा इधर। क्राफ्ट टेबल लेके हम लोग अभी हम लोग क्राफ्टिंग कर लेते, पिकेक्स बनाते, स्वॉर्ड बनाते, और शबल बना के लेते। क्राफ्टिंग टेबल है, और क्या बना इसमें, और ज़रूरत नहीं है हम लोग को, स्टिक लगेगी, आठ स्टिक में हो जाएगा ना। तो ठीक है हो जाएगा, हम लोग चेक करते। ओके क्राफ्टिंग टेबल, ओके क्राफ्टिंग टेबल हम लोग ले लेते हैं हमारी इन्वेंट्री में, और हम लोग यहाँ पे रखते हैं अंदर। पहले स्टिक रखते हैं, रेसिपी भी हम लोग पहले ट्राई करते हैं, हमें याद है क्या, अदरवाइज हम लोग रेसिपी बुक से देखेंगे शायद। यहाँ पे हम तीन ब्लॉक रखें। ओके पिकेक्स बन गई, वुडन की पिकेक्स हमारी पहली वाली। भाई इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट गेम की शुरुआत के लिए भाई वुडन पिकेक्स बेस्ट है, बेस्ट मतलब ऑप्शन ही नहीं है हम लोग के पास। ओके तो हम लोग ये वुड से भी प्लैंक्स बनते हैं, एक वुड से चार प्लैंक बनते हैं। ठीक है भाई, कुछ कंफ्यूजन हुआ मेरे को, मतलब चार लोग से एक उड़ से भी चार प्लैंक, इधर भी चार प्लैंक। ठीक है छोड़ जाने दो, हम लोग देखते कि यहाँ पे हम लोग स्टिक रखते हैं, और यहाँ पे दो बना के नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, शवल बनाते नहीं, एक्स बनाते। ओके एक्स ले लेते, रेसिपी की जरूरत। ओके पहला हम लोग स्वॉर्ड लेते, देन हम लोग शवल लू या एक्स लू, एक्स लेते, एक्स लेते। देन मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हो जाएंगे हम लोग को शुरुआत करने के लिए। हम लोग पहले स्टोन ढूंढने के, हम लोग को ये सब स्टोन का बनाना पड़ेगा जो स्ट्रांग रहेगा, इसका अटैक का इतना पावर नहीं रहेगा। देखो अटैक डैमेज सब लिखा है इन्होंने, नंबर सो काफ़ी कम है, आपको चार लग रहा है, सात लग रहा है, एक्चुअली वो सबसे कम है। हम लोग और क्या बना सकते हैं, दो दो बना लेते हैं क्या सेफ्टी के लिए, कि अगर जल्दी टूट जाएगा हम लोग माइनिंग करते समय। छोड़ो ठीक है, हम लोग अभी के लिए निकलते, देन बाद में छोड़ो ले लेते दो दो बना के ले लेते। प्लैंक्स रखते हैं, स्टिक बना ली, स्टिक के यूज से हम लोग बना लेते। ओके डायरेक्ट रेसिपी से हम लोग बना लेते बेटर, हम लोग वो करते हैं। ये रेसिपी से हम लोग एक स्वॉर्ड बना लेते हैं। स्वॉर्ड बनो कि क्या बनाओ, कंफ्यूज हो रहा है मुझे, थोड़ा जाने दो, हम लोग नहीं लेते। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी, अभी कहाँ पे जाए, मुझे तो भाई प्लेन लैंड चाहिए, क्योंकि जंगल में रहना सेफ नहीं है। यहाँ पे ज्यादा क्रीपर्स आएंगे, मॉब्स आएंगे भाई, यहाँ पे खतरा है, काफी ज्यादा वाला खतरा है, और क्रीपर से तो बहुत डर लगता है। लावा तो ठीक है भाई, लावा से हम लोग भाग सकते हैं, बट क्रीपर हमारे पीछे भागते हैं, इसके लिए हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा तुरंत तुरंत। ये हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि तो पानी में कुछ तो है, शायद ये डाई है, ये रेसिपी बुक में चेक करने बोल रहे। ठीक है हम लोग फिश बाय फूड, ये डाई है। ओके हम लोग एक काम करते हैं, ओके पहले ना ये सब फिश को मार के हम लोग फूड कलेक्ट कर लेते, बिकॉज हम लोग को ये गेम में फूड चाहिए कंटिन्यूसली, ताकि हमारी हेल्थ बन सके। और अगर हम लोग का फूड मतलब हेल्थ कम हो जाते, तो हमारा भागने का स्पीड, काम करने का स्पीड सब स्लो हो जाते, तो हम लोग को हेल्थ भी रखनी है, हम लोग को खा के पेट भी भरा रखना है। फिलहाल के लिए हमारा पेट भरा है, कि हम लोग इसको मारते हैं। ओके ये मर क्यों नहीं रहा, अरे लग क्यों नहीं रहा, हम लोग थोड़ा पास जाते। ओके लग जा लग जा लग जा, अरे भाई कौन सी मछली, तू लगती नहीं इसको, ये क्या है, हम लोग को कौन मार रहा है भाई। ओके 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 हमारा ऑक्सीजन खत्म हो गया भाई, मेरे को समझाए नहीं, हम लोग का ऑक्सीजन कम खत्म हो गया। ओके हम लोग को क्या करना है,
हमारा ऑक्सीजन मेंटेन रखना है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन बबल से, वो जब पूरे खत्म हो जाएगी तो हमारी हेल्थ जाने चालू हो जाएगी। तो हम लोग को पानी के अंदर वो एक ध्यान रखना है हमेशा कि चलो अंधेरा हो गया, हम लोग को जल्दी से किधर ना किधर रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर एक बार मॉब्स आ गए तो भाई हम लोग को कोई नहीं बचा सकता। और हमारे पास अभी कुछ आर्मर भी नहीं है ना भाई, कुछ है मतलब ये वुडन से तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वुडन पिकेक्स से वुडन स्वॉर्ड से हमारा कुछ नहीं होगा। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ब्लॉक तोड़ते हैं और हमारे बाजू में एक स्पेयर बना के क्लोज कर देते जब तक सुबह नहीं हो जाती। हम लोग ये भी तोड़ते ये भी तोड़ते वो भी तोड़ते, ओके। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा क्लोज कर दिया हम लोग को, ओके। हम लोग यहाँ पे एक लगाते यहाँ पे एक लगाते यहाँ पे एक लगाते एक और एक, ठीक है एक ही ऊपर से क्लोज करते, एक ही ब्लॉक का हो जाए, ठीक है। अभी हम लोग सुबह होने का इंतजार करते, ओके। तो सुबह हो चुकी है और बाय द वे मैंने रात को बैठे बैठे सब आजू बाजू में तोड़ के जो भी कलेक्ट हो सके कलेक्ट कर लिया, और थोड़े से लाइट में मैंने स्टोन के सब कुछ सामान बना लिया। मतलब भाई उधर स्टोन था और मैंने सोचा अभी बना ही लेते, अंधेरा था काफी ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, पर क्या। और ये क्रीपर मेरे पीछे क्यों भाग रहा है भाई, भाई क्रीपर चला जा भाई, पहला ही दिन है पहला, अभी तक मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए खेल के, ये क्रीपर मेरे पीछे पड़ा है। तो हम लोग इसको थोड़ा मार के देखते, तो भाई इससे तो आवाज पटाखे जलने जैसी आवाज आ रही है, ओके। और एक बार और एक सेम टू सेम, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं पटाखा जला रहा हूँ कोई, तो इसको मार के देखते, मारे मारे ओ भाई क्या आवाज हुआ, आप लोगों ने सुना ही रहेगा क्या खतरनाक। और हमारी उधर से हिल चली गई, ओके इसको मार, ये स्पाइडर तो तुरंत मरनी चाहिए, मर अरे मर, अरे ये आपने को मारने यार, मार 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 मार, मार जल्दी 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 जल्दी। अरे कितना टाइम लिया इसने मरने के लिए, मुझे लगा ये दो चार इसमें मर जाएगी यार। ये हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा खाना भी ले लेते हैं, हमारा पेट खाली है, इसको मारते हैं। सॉरी सॉरी मारना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है, मारना पड़ेगा। किधर भाग रहे रुक, ओके हम लोग को मीट मिल चुके हैं। बाय द वे हम लोग अगर कुक फूड खाते हैं तो हमारी हेल्थ ज्यादा बढ़ती है, इसके लिए मैं इसको संभाल के रखने वाला हूँ कुक करने के लिए। अरे इतना क्यों भाग रहे, रुक रुक। बाय द वे गाइस मुझे लगा था कि हम लोग अगले एपिसोड में या फिर उसके 2-3 एपिसोड बाद विलेज में जाएंगे टाका डालने के लिए, बट यार यहाँ पे पहले ही विलेज आ गया। मतलब गेम के शुरुआत में ही विलेज, शुरुआत में हम लोग को लावा दिखा वो एक बुरी बात हुई, बट भाई विलेज इतना जल्दी मिल गया बहुत अच्छा हुआ। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे लूट लेते पूरा विलेज लूटेंगे आज, मतलब पूरा तो लूट नहीं पाएंगे, इतना बड़ा विलेज है आधा लूटने का ट्राई करते। ये हम लोग ले लेते, ये मशीन है शायद हम लोग को काम आएगी हमारे कुछ हथियार बनाने के लिए। ये कौन से ब्लॉक है, क्योंकि हम लोग तोड़ के ले लेते हैं, रैंडमली यूज आएंगे या फिर हम लोग को डेकोरेशन के लिए काम आएंगे। बाद में रेसिपी बुक में हम लोग चेक कर लेंगे, ये वही ले लिया। ये मुझे लगता है कि ये सैंड बॉल है, पता नहीं हम लोग चेक करेंगे, सैंड का ब्लॉक है शायद। दोनों को भी लूट लेते, दो घर है यहाँ पे, सामने वाला पहले जाते कि इधर पहले जाते, सामने वाले में जाते हैं। यहाँ पे एक फ्लावर पॉट भी दिख रहा है, ये तो अंदर की तरफ देखते हैं क्या है। यहाँ पे विलेजर भी घूम रहे हैं, हम लोग के इन्वेंटरी में क्या क्या है, हम लोग सेफ्टी के लिए रखते हैं। अरे ये क्यों फेंक दिया गलती से यार, शिट भाई गलती से दूसरी की दब गए। ये विलेजर भाई मेरे को अंदर जाना है, तुम बाहर निकलो। ये क्या है, कारपेट है, हम लोग कारपेट ले लेते हैं साथ में, और कुछ तो मिल गया हम लोग को चेक करते हैं कि कारपेट अच्छा हुआ, कारपेट चाहिए भाई घर को सजा। ये क्या चीज है, तू क्यों बीच में आ रहा है, मेरे को चाहिए, मैं तोड़ेगा मैं लेके जाएगा, साइड हो जा, तो पैर पे मारेगा मैं तेरे, साइड हो जा। गलती से लग गई भाई सचमुच, भाई साइड हो जा, ओके ये जा रहा है, ये भाई चला गया अच्छा हुआ। हम लोग ये तोड़ के चेक कर रहे हैं, मुझे मैंने देखा नहीं था आज तक, टूट गया। हम लोग इन्वेंटरी में चेक करते है क्या है, ओके ब्लीचिंग टेबल, मुझे पता नहीं यार, या फिर मुझे याद नहीं कि इससे क्या करते हैं हम लोग। हम लोग का पूरा भर गया, बट ठीक है बाद में खाली करेंगे। ये पॉट ले लेते, घर के बाहर एक लगा देंगे, पौधा लगाना बहुत अच्छी बात होती है, एक पौधा लगा लेंगे। सब लोग अपने घर पे एक पौधा तो रखा करो, मतलब है तो और एक प्लांट करो भाई, एक है तो रखो मत खाली। यहाँ पे हमारा पहला भाई बेड मिल गया, बेड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब भाई रिस्पॉन्ड होने के लिए बेड चाहिए हम लोग को। ये स्टेयर्स ले लेते, बट ये स्टेयर्स यहाँ क्यों लगाई थी, क्लास का क्या आवाज आ रहा है भाई, क्लास तो एकदम असली जैसी टूट रही है इधर। ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरा घर ढूंढते हैं फटक से, हम लोग के पास अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। और ये बड़ा दरवाजा और यहाँ पे पहली चेस्ट, और भाई पेट भर के खाना मिल गया भाई, खाने को इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, ब्रेड है और एप्पल है हम लोग, पर भाई इतना सारा सामान पड़ा है, किसको निकालू किसको निकालू, पहले सब ब्रेड एक साइड में कलेक्ट कर लेते हैं।
तो एक काम करते हैं, हम लोग सारा फूड ले लेते हैं, और जो चीजें नहीं चाहिए वो हम लोग यहाँ से खाली करते हैं। ये तो हम लोगों ने सारी चीजें ले ली है बॉक्स में, और कुछ नहीं, इसको तोड़ के ले लेते क्या भाई? तो आसानी से बना सकते, फिर भी ठीक है, हम लोग इसको ले लेते हैं। और हमारे पास खाली बॉक्स आएगा, क्या करेंगे? इतना सारा सामान भरा है, सब यूजफुल लग रहा है। मतलब हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो स्वॉर्ड है उसको डबल डबल एक जगह स्टोर नहीं कर सकते, उसको एक सिंगल सिंगल ब्लॉक रखता है। बाकी सब चीजें हम लोग 64 64 नंबर से सेव कर सकते हैं एक ब्लॉक में। तो हम लोग ये ओके, यहाँ पे एक वीट है, शायद ये वीट है। ओके, हम लोग वीट कलेक्ट कर लेते हैं, हम लोग को बाद में वीट सीड बना के हम लोग को फार्मिंग के लिए काफी यूज होगा इसका। टूट जा सारा लूट लेंगे भाई, मुझे चाहिए। लॉकडाउन लग गया तो भाई मिलेंगे नहीं, हम लोग लगा लेते हैं, मजाक कर रहा हूँ गाइस, आप ऐसा मत समझना कुछ लॉकडाउन नहीं होने वाला। ये हम लोग ने तोड़ दिया, ये टूट जा भाई, टूट जा। बट मेरे को लगता है हम लोग को थोड़ा खाना खा लेना चाहिए। आयरन गोलम जी कैसे हो आप? आपसे मिलेंगे बाद में, मिलेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या अच्छा डेकोरेशन है, तोड़ू क्या? नहीं तोड़ू, छोड़ो, खराब नहीं करते, नहीं ले छोड़ दो लोग। ओके, यहाँ पे विलेजर्स घूम रहे, कितना आवाज कर रहे विलेजर्स यार। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ढेर सारा खाना दिख रहा है, मेरे को तो ये खाना करके दिख रहा है, हम लोग बाद में इनको पालेंगे भी। ये मर रहा क्यों नहीं है भाई? कितना आवाज कर रहे हो, इतना मत भागो, हम लोग रुका अंदर आता है, बाहर मत अंदर जा, इसको बाहर ही आना है, मर भी नहीं रहा है। बाहर जा, रुक, मैं क्लोज कर रहा हूँ, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे क्लोज ही करना पड़ेगा ये डोर को, साइड हो जा। हम लोग ओके क्लोज कर दिया हम लोग ने मुश्किल से, तो ये बाहर निकल जाते ना, हम लोग इनको नहीं भाई अंदर डाल पाते। मर जा, रुको पास जाके मारता हूँ, मर 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 मर, ये मर ही नहीं। ओके मर गया, एटलीस्ट एक मर गया। ये इसका चमड़ी बहुत मोटा है लगता है, इसको मार। ओके, ये तो एक इसमें ही मर गया भाई, ये वाला शायद कमजोर था, वो वाला भाई मर ही नहीं रहा कब से कि हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये भी इधर मर गया भाई, ये स्पॉट में क्या सब मरते हैं क्या एक ही इसमें? कि हम लोग ये खाना हमारे अंदर रखते, चीजें खाली करनी पड़ेगी, कि हम लोग फालतू चीजें निकाल देते और खाना अंदर रखते। हम लोगों ने फ्लावर पर डल के खाना ले लिया। और ये भाई ये क्या कर रहा है? मैं गलती से टॉर्च लगा रहा हूँ, दोनों हाथ में हम लोगों ने रखा है, एक में टॉर्च एक में ये, कि हम लोग टॉर्च को ले लेते। और इसको लूँ या नहीं लूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, चलो ले लेते ये, इसको डाल देते, इसका ख़त्म हो गया पिकेक्स का हेल्थ, इसको हम लोग डाल देते। चलो हम लोगों ने ये ले लिया, पिकेक्स को रहने देते, वैसे भी वो टूटने वाली थी, तो चलो हम लोग निकलते हैं। ऐसे पॉट को भी रहने दो, पॉट हम लोग बना लेंगे भाई, इसको मुश्किल नहीं है इन्वेंटरी में बनाना। तो यहाँ पे रात हो रही है, हम लोग को तुरंत भागना पड़ेगा कहीं पे भी, अभी ज़ोंबी एक बार आ गए ना, मतलब भाई ज़ोंबी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही बेड पे तीन लोग सो रहे हैं भाई, मम्मी पापा बेटा बाबा, सॉरी हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप अच्छे से रहिए, हम लोग दूसरे घर में जाते, देखते कहीं हमें बेड मिलता है क्या। ये बिट को हम लोग सुबह करते भाई, इसको सुबह ले लेंगे। यहाँ पे ये घर में हम लोग चेक करते, ओके ये गरीबी वाला घर है, इसको छोड़ देते। यहाँ पे एक अच्छा दिख रहा है, डेकोरेशन लगा है, अच्छा हुआ, कुछ तो भाई चाहिए अच्छा देखने के लिए। और इसमें इधर भी बेड नहीं, पर हमारे पास बेड है, कहाँ लगाओ? बस अपना घर रहता तो चार्जिंग पॉइंट ढूंढते, अभी यहाँ पे हम लोग ये काम करते, विंडो वाला पॉइंट पे जाते, कि जहाँ पे विंडो वहाँ सो जाते, कुछ तो भाई एंटरटेनमेंट होगा। कि हम लोग बेड रख देते, बेड अपना हाथ में ले लेते, और यहाँ पे डालते इसको। अरे जा क्यों नहीं रहा, बेड क्यों नहीं लग रहा, यहाँ पे बेड लग नहीं रहा, यहाँ पे चेक करते, क्योंकि यहाँ पे लग गया। अभी हमारी सुबह हो चुकी है भाई, इतनी फास्ट सुबह हो गई ना, मतलब हमारे इधर तो भाई नींद एक तो कंप्लीट नहीं होती, और इधर भाई एक सेकंड में इसका सो के इसकी नींद भी कंप्लीट हो गई भाई। चलो बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं, हमारा वीट रह गया था कल रात को, वो वीट कलेक्ट करना था। इधर क्यों आ रहा है मैं? इधर नहीं, इधर कुछ नहीं था, ये गरीब वाला घर था, कि हमारा वीट, इसको उठा लेते। मेरे पिकेक्स की तो हेल्थ जा चुकी है, ये एप्पल खा लेते पहले भाई, पेट भी भरना है। मैं सोच रहा हूँ पिकेक्स चेंज कर लेता हूँ, ये तोड़ने दे, ओके टूट जाने दे, पहले खा लेते, पेट खाली है, पेट भर जाएगा तो हेल्थ बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। ये पेट तो हम लोग का भर गया है, और यहाँ पे ये हम लोग ओके इसको मार रहे हैं, ओके ओके ये टूट गए, टूटने वाली है, एक इसमें टूटेगी, और एक ओके ये टूट गई, ओके टूट गए भाई, हम लोग दूसरे ले लेते भाई। इसके लिए मैंने दो दो बना के रखी थी रात को, ये वाला पिकेक्स से हम लोग ये पूरा वीट भाई, हम लोग को ना फार्मिंग करने के लिए काफ़ी सारी सीड्स लगेगी, इसके लिए मैं तोड़ रहा हूँ। आप बोलेंगे क्यों, बट क्या है ना, ऐसा लग रहा है कि जितना तोड़ूंगा कम है, बिकॉज ये लोग फार्मर्स कहीं ना कहीं से लाते रहेंगे। ओके लास्ट वाला लॉट है, हम लोग और नहीं तोड़ेंगे, तो कम्प्लीटली हम लोग खाली कर लेते हैं।
और कहा है, और कहा है, ये वाला घर हो गया था, ये वाले में जाके गए थे क्या? हम लोग नहीं गए थे, हम लोग अंदर देखते हो कि यहाँ पे और एक बेड ले लेते हैं, हम लोग को रिस्पॉन्ड होने के लिए एक बेड लगेगा और एक बेड हम लोग कहीं पे जाएंगे तो सोने के लिए लगेगा, बाकी ये घर में कुछ नहीं है भाई, वो स्टेयर्स ही है, दरवाजा तोड़ते, टूट भाई, टूट क्यों नहीं रहा है, टूट जा, ओके टूट गया, और इस टॉर्च को भी ले लेते, अंदर क्या है अभी नहीं छोड़ो, जाने दे, हम लोग जाते, यहाँ पे घर दिख रहा है, छोटा सा नन्ना सा, बड़ा डोर वाला घर में एक येलो कलर का बेड हम लोग उठा लेते और इसमें चेक करते हैं इसमें क्या है, चेस्ट पे हम लोग को काफी सारा खाना और भाई एमरेल्ड मिल चुके हैं, एमरेल्ड का बहुत यूज है, मतलब हम लोग जब फार्मर से ट्रेडिंग करेंगे या बाकी लोगों से तो हम लोग को इसका काम आएगा, मतलब पेपर लेने के लिए, बाकी सब एन्चेंटमेंट लेने के लिए, तो हम लोग चेस्ट को खाली करते हैं, यार चेस्ट पहले से भरा है मेरा, कहाँ से आ रहा है बिल्ली का आवाज भाई, बिल्ली का आवाज कहाँ से आ रहा है, राइट से लेफ्ट से, ओके इधर से भी नहीं दिख रही, ओके लेफ्ट से आ रहा है, लेफ्ट से आवाज आ रहा है, ओके वही देखो बिल्ली भाई, पहले एपिसोड में बिल्ली की भी मुलाकात, पर इसको पकड़ते कैसे यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, स्ट्रिंग से पकड़ते, पर पहले हम लोग को उसको फिश देना पड़ेगा, पर हमारे पास तो फिश भी नहीं है ज्यादा, अभी फिश हम लोग मारने जाएंगे तो इतना टाइम, और वो चली गई इतने में भाई, नसीबी खराब, छोड़ो ना, हम लोग बाद में बाकी के एपिसोड में लेंगे, 10-15 बिल्लियां हम लोग पाल लेंगे, आप टेंशन मत लो, सब करेंगे हम लोग इस गेम में, बस थोड़ा टाइम लगता है, काफी टाइम कंज्यूमिंग गेम है, हम लोग अंदर आ चुके और एमरेल्ड रह गए थे वो ले लेते, सारी चीजें निकाल देते फालतू की, और एमरेल्ड को हम लोग हमारी चेस्ट में, मतलब इन्वेंट्री में डाल लेते, चेस्ट में क्या बोल रहा हूँ भाई, इन्वेंट्री बोलते हैं, ये भी नहीं चाहिए, वुडन का भी रख के फायदा नहीं है, तो स्टोन वाले रखते हैं, स्टोन की जरूरत है, ये ओके एमरेल्ड ले लेते, इसमें तीनों, तीन नहीं टोटल चार है, मुझे लगा तीन ही है, ओके पोटैटो भी ले लेते खाने के लिए, बाकी कुछ यूजफुल नहीं लग रहा है, फिश को हाथ में ले लेते भाई, फिश एक ही थी भाई, एक एक फिश से नहीं कैट मानते हम लोग से, इसको चेस्ट को ले लेते, खाली चेस्ट को, खाली चेस्ट मतलब बना सकते, बट भाई पहला गेम है ना, पहला दिन है तो हम लोग सब सब लेने का मन करता है, छोड़ो बाकी चीजें छोड़ देते, यहाँ पे पानी है, ये विलेज मेरे को काफी अच्छा लगा, यहाँ पे टॉर्च लगा रखी है, मतलब रात को यहाँ पे मॉब स्पॉन ना हो, ये घर में कुछ है भाई, इतना छोटा घर है, तो कहाँ से एंट्री इसकी, तो यहाँ से एंट्री, ओके एक बेड है, और ये भी वही गरीब वाला घर, नहीं चाहिए, लोग तो यहाँ से निकलते हैं, ओके यहाँ पे एक अच्छा दिख रहा है नीचे, पहले इसके अंदर चेक करते क्या है, यहाँ पे भी एक बेड है, ये भी गरीब, मैं बाकी लोग को क्या मैं गरीब बोल रहा हूँ, मैं खुद भी गरीब हूँ, मैं मेरे पास तो घर भी नहीं है, यहाँ पे एक फार्मर है और इसने भाई कुछ तो फार्मिंग करके रखी है, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, ये रेडिएटरी, इसको हम लोग काटते, काटू मैं ले लेता हूँ भाई, मेरे पीछे मत आ, मेरे पीछे मत आओ, हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर क्या है यार, इसके अंदर स्टोरेज नहीं, स्टोरेज तो नहीं, इसके अंदर ये क्या चीज है, कि अपग्रेड गियर, तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ अपग्रेड कर सकते हैं जो अपग्रेडेबल है, तो बाय द वे अगर हम लोग यहाँ पे पिकेक्स लेते और हम लोग को स्टोन का ब्लॉक, स्टोन मतलब आयन पिके से आयन ब्लॉक लगेगा, इधर हम लोग सपोज एक अभी दिखाने के लिए कोबल स्टोन रखते तो यहाँ पे वो अपग्रेड होता है, अभी यहाँ तो नहीं होने वाला, तो अभी क्या करेंगे, हम लोग के पास नहीं है बट हम लोग जल्दी करेंगे, मैं तो सोच रहा हूँ गोल्डन के पीछे पड़ते हैं, गोल्डन नहीं, हम लोग डायमंड के पीछे भगते हैं, डायमंड सबसे स्ट्रांग रहता है, गोल्डन में कुछ दम नहीं रहता है, मतलब तो नाम के लिए गोल्डन है बट वो आयन से भी वीक रहती है, ओ माय गॉड भाई, मेरे को इसका घर, ये देखो ये विलेजर भाई, तेरा घर है, स्विमिंग पूल बना के रखा है बाहर, अंदर आओ, तू बाहर है, तू बाहर है, मेरे को अंदर जाना है, बाहर है, मेरे को जाने साइड, इसके पास क्या है ये भाई, ये पोर्शन बने थे हम लोग, ब्रीविंग स्टैंड भाई, ये विलेज में तो हम लोग को काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें मिल चुकी है, ये हम लोग रख लगते, बट चेस्ट फुल है, हमारी इन्वेंट्री फुल है, इन्वेंट्री फुल है, कुछ तो निकालना पड़ेगा, ये साइड नहीं वो साइड निकलते, नहीं तो वो ही वापस आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग ओके सीड्स को निकाल देते, सीड को निकल दिया मैंने, और हम लोग इसको कलेक्ट करते, अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते, बाहर ऊपर कुछ नहीं खास नहीं है, हम लोग बाहर चलते, और भाई मुझे जगह अच्छी लगी, मतलब मैं सोच रहा हूँ ये घर को मैं अपना बना लेता हूँ, मतलब बुरी बात है दूसरे का घर छीनना, बट यार जो है एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी उसको यूज करो ना, क्यों नया बनाने का, मतलब सामने इतना अच्छा पानी है यार, मतलब ऊपर चल के थोड़ा देखते हैं, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ओके देखो ये पानी है, हम लोग चाहे तो इसको, ये क्या गिर गया यार गलती से, सॉरी मिस्टेक भाई, मिस्टेक हो रही है पहले गेम प्ले, ओके तो यहाँ पे हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम लोग राउंड राउंड नहीं रेक्टेंगुलर टाइप स्विमिंग पूल बना लेते हैं, मतलब ऐसा पूरा ऐसा कवर कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग कुछ तो स्टोरेज या फिर फार्मर्स नहीं, फार्मर स्टोरेज ही करते हैं, यहाँ पे भी पानी है, तो हम लोग ये पानी का मतलब
इसमें बोट रख के हम लोग जा सकते हैं इधर उधर, दोनों साइड से ये पानी कनेक्टेड है। और यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, उधर पौधे लगा सकते हैं, जगह है क्या हम लोग थोड़ा रुको जाके चेक करते हैं हम लोग। ओके ओके भागते हैं हम लोग जरा फास्ट। ओके यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हो जाएगा, तो अच्छा खासा लंबा है। ओके ठीक है, थोड़ा और ऊपर चल के देखते हैं, मतलब आपको अच्छे से दिखाएगा, मेरे को खुद को देखना है भाई, आपको मतलब दिखाना तो है ही बट मुझे खुद को देखना है। ओके ये ऊपर ये सब पेड़ को तोड़ना पड़ेगा भाई। चलो हम लोग ऊपर और ऊपर आ चुके, और ये देखो हमारा घर भाई, हमारा मतलब दूसरे का ही है बट ये आज से हमारा घर है, हम लोग ने इसको टेक ओवर कर लिया भाई। क्या जबरदस्त घर है, मतलब सामने स्विमिंग पूल, ऊपर विलेजर्स, नीचे स्टोरेज, और सामने ना हम लोग पूरा फार्म बनेंगे, पीछे से वॉल डालेंगे, ये पूरी फार्म रहेगी। ये अच्छा सीन है, यहाँ से हम लोग नदी से आ सकते हैं, आना जाना होगा कंपास बनाने के बाद, और मेरे ख्याल से ये बेस्ट है, मतलब पानी रहेगा तो यहाँ से क्रीपर्स भी नहीं आएंगे पीछे से। तो आज के लिए हम यही खत्म करते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आई रहेगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।